72 डेज बिल्डिंग अंडरग्राउंड हिडन हाउस। देवगढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग बाहुबली नाम के एक हाथी को और उसकी पत्नी और उसके बच्चे को खूब अच्छी तरह से देखभाल करते थे। पर उस गांव में मुरली नाम का एक व्यक्ति था जिसकी नजर उस हाथी के बच्चे पर था। वो उसे सर्कस वालों को बेचकर खूब पैसे कमाने के चक्कर में उसे कई बार चुराने की कोशिश कर चुका था, पर मुरली की कोशिशें नाकाम होती थी क्योंकि वे तीनों हाथी हमेशा एक साथ रहते थे। एक दिन उस गांव का सरपंच रामजी ने लोगों को बुलाया। देखे भाइयों, मैं परसों शहर गया था, वहां सरकार लोगों से कई अंडरग्राउंड हिडन हाउसेस बनवा रही हैं। मैंने वहां के अधिकारियों से पूछा कि इसका कारण क्या है, तो उन्होंने बताया कि दुनिया में आजकल के हालात को देखते हुए कुछ कह नहीं सकते कि कब क्या होगा, इसीलिए सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है कि लोगों की सुरक्षा हेतु कुछ हिडन हाउसेस बनाए जाएं। कुछ दिनों बाद तुम्हारे गांव में भी इस आदेश को जारी करना होगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो हम क्या करें? कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे हो कि हम सब पैसे डालें तो तुम अंडरग्राउंड हिडन हाउस बनवाओगे और उसमें रहकर मजे करोगे और सरकार से श्रेष्ठ सरपंच अवार्ड भी प्राप्त करोगे? हैं? मुरली की बातें सुनकर रामजी दुखी होकर वहां से चला गया। बाद में रामजी ने शहर से एक मिस्त्री को बुलवाया और देखो मिस्त्री, मैं नहीं जानता कि तुम क्या करोगे, पर जितनी जल्दी हो सके अंडरग्राउंड में एक घर बनाना होगा। सरकार ने कोई निर्णय लिया है तो इसके पीछे कोई तगड़ा कारण होगा। तुम्हें ऐसा घर बनाना होगा जिसमें सारे गांव के लोग समा जाएं, पर किसी को इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि तुम ऐसा घर बना रहे हो। ठीक है? ठीक है सरपंच जी, पर उस घर को बनाने के लिए कम से कम 72 दिन लगेंगे। 72 दिन बाद आपको मैं उस अंडरग्राउंड घर की चाबियां दूंगा। यूं मिस्त्री ने अंडरग्राउंड घर बनाना शुरू किया। कुछ महीने बाद मुरली गांव के पास वाले जंगल में यूं जा रहा था तो वहां उसे बाहुबली का बेटा छोटा हाथी खेलता हुआ नजर आया। मुरली ने मन में वाह यह अच्छा मौका है कहकर अपने दोस्त उस सर्कस के मालिक को फोन करके उसे वहां आने के लिए कहा। वो मुरली के पास आया। उससे मुरली, देखा बेबी एलिफेंट कितना बढ़िया है, इसके बाप का नाम बाहुबली है, ये नाम गांव वालों ने रखा है, ये जंगल में रहा तो जंगल का राजा बनेगा और अगर ये तुम्हारे पास रहा तो तुम्हारे सर्कस का राजा बनकर पैसों की बारिश कराएगा। अच्छी तरह देख लो, इस बार खूब पैसे देने होंगे मुझे। ये सुनकर सर्कस का मालिक, तुम वाकई चोर मुरली निकले, कितनी बार झूठ बोलते हो, हर बार ऐसे बोलते हो कि तुम्हारे झूठ पर विश्वास हो जाता है, ये हुनर मुझे भी सिखाओ ना। चलो ठीक है, बोलो कितना देना होगा। 1,00,000 रुपए। सर्कस के मालिक ने ठीक है कहकर उसे पैसे दिए। तब मुरली ने उस हाथी के बच्चे को खाना खिलाया जिसमें कुछ नशीली दवाई मिलाई हुई थी। वो हाथी का बच्चा उसे खाकर सो गया। फिर उस हाथी को सर्कस के मालिक ने गाड़ी में डालकर वहां से ले गया। फिर जब बाहुबली को अपना बेटा नजर नहीं आया तो सूंघते हुए वो मुरली के घर तक पहुंचा और उसके घर को तोड़ फोड़ दिया। ये देखकर मुरली वहां से भागा। फिर बाहुबली गांव वालों पर भी हमला करने लगा। तब गांव वाले डरकर रामजी के पास पहुंचे। गांव वाले रामजी से, लगता है कि उस चोर मुरली ने उस बाहुबली के बेटे को बेच दिया है, वो गुस्से में है, लगता है कि हम सबको मार डालेगा। इस कमीने को कई बार कहा पर वो नहीं सुधरता, आप ही हमारी रक्षा कीजिए। आप लोग चिंता ना करें, मैं आप लोगों की रक्षा करूंगा कहकर उन्हें अंडरग्राउंड हाउस ले गया। उसे देखकर सब हैरान हो गए। वे, रामजी आपने ये सब कब बनवाया? जिस दिन मैंने आपको हिडन हाउस के बारे में बताया था उसी दिन से काम शुरू कर दिया था, आज ये काम आया। बाद में गांव का एक किसान मुरली को दिखाते हुए, ये चोर मुरली जैसे लोग जहां भी होंगे वहां आसपास रहने वालों को हिडन हाउस बनवाना ही होगा, पहले इसको खूब मारो और पता करो कि उसने हाथी कहां बेचा है। फिर सबने मिलकर मुरली को खूब मारा। अरे मुझे ना मारो, मुझे ना मारो, उस हाथी के बच्चे को मैंने सर्कस को बेच दिया।
देखो मुरली, मैं नहीं जानता कि तुम क्या करोगे, तुम तुरंत जाकर उसे वापस लाओ और बाहुबली को सौंप दो, नहीं तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं जाकर उसे वापस लाता हूँ, कहकर बाहर निकला। बाहर उसे बाहुबली दिखाई दिया, डरकर वो फिर से अंदर आ गया। उसे देखकर रामजी, कुछ दिन यहीं रुकते हैं, बाद में सोचेंगे कि क्या करना है। कुछ दिन तक गांव वाले उसी अंडरग्राउंड हाउस में ठहरे, फिर मुरली बाहर निकलकर देखा तो बाहुबली नहीं था। मुरली फटाफट वहां से गया और सर्कस के मालिक को जो हुआ सब बताया, उस बेबी एलिफेंट को छोड़ने को कहा। उस सर्कस के मालिक ने रहम खाकर उसे मुरली को सौंप दिया। तब मुरली ने उस हाथी के बच्चे के साथ गांव लौटकर बाहुबली और उसकी पत्नी से मिला दिया। अपने बच्चे को देखकर बाहुबली बहुत खुश हुआ। ये बात मुरली ने आकर गांव वालों को बताया, तब गांव वाले भी उस हिडन हाउस से बाहर निकलकर खुशी से रहने लगे। मिनी साइकिल। एक गांव में जगजीत नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसे राशिफल, कुंडली और अंधविश्वास में बहुत विश्वास था। हर रोज वो भगवान को प्रार्थना किए बगैर घर से बाहर नहीं निकलता था। कोई बिल्ली रास्ता काट जाए तो वो वापस लौट जाता था। उसी गांव में बाबुल नाम का एक युवक नाटकों में काम करता रहता था। एक बार जंगल में बाबुल स्वामी जी के वेश में ड्रामा का डायलॉग प्रैक्टिस कर रहा था और उसी पेड़ के दूसरी ओर जगजीत खड़ा था। हे मूर्ख, तुम्हें इतना घमंड? 7 लोकों और 8 दिशाओं में मेरा वश है और तुम्हें मजाक लग रहा है, कहकर डायलॉग बोल रहा था। ये बातें पेड़ के दूसरी ओर खड़े जगजीत को सुनाई दिया। वो तुरंत स्वामी जी के पास आकर प्रणाम करके, स्वामी जी मुझे क्षमा करें, मैं नहीं जानता कि आप मुझसे इतना क्रोधित क्यों हैं। अरे ये क्या, मुझे सचमुच का स्वामी जी मान रहा है? अच्छा, तो इस बेश में इनाम जीतना मेरा पक्का है, यूं उसने मन में सोचा। आप बोलते क्यों नहीं स्वामी जी, कहिए स्वामी जी आप मुझ पर इतना क्रोधित क्यों हैं? मूर्ख, एक तो क्रोधित करते हो पर से सवाल पूछते हो। तुम्हारा इस साल पूरा होने से पहले ही कहीं भी कभी भी गिरकर सिर फटकर मरना निश्चित है, यही मेरा श्राप है, कहकर बाकी डायलॉग भी बोलकर वहां से चला गया। ये सुनकर जगजीत पूरा डर कर चिंतित होकर वहां से चला गया। घर आकर भगवान को प्रणाम करके, हे भगवान मुझे ये सजा क्यों दे रहे हैं, मैंने क्या गलती की है? कुछ भी हो मुझे सावधान करना चाहिए था ना भगवान, 1 साल के लिए मुझे नीचे नहीं गिरना चाहिए, ऐसा उसने सोचा। फिर जमीन पर लेटा हुआ था कि उसकी माँ आकर, ये क्या बेटा, रोज तुम पलंग पर ही सोते हो ना, आज जमीन पर क्यों लेटे हो? अगर नींद में पलंग से नीचे गिरकर सर फट गया तो तुम नहीं समझोगी, मुझे छोड़ दो। अगले दिन वो अपने साइकिल के पास गया। ना बाबा ना, अगर इस पर चढ़कर मैं साइकिल चलाने लगा और कहीं नीचे गिर गया तो, ना ना इसे तुरंत बदलना होगा। इस तरह वो साइकिल को धकेलता हुआ गया। साइकिल शॉप के पास आकर, भैया ये साइकिल ले लो और इसके बदले में छोटा साइकिल दोगे, एक्सचेंज में कितना देना होगा जरा बताना। क्यों सर, अपने बेटे के लिए नया साइकिल खरीदना चाहते हैं आप? ये लीजिए, ये अच्छा रहेगा, 5,000 रुपए और दीजिए, बस बहुत है। यूं वो उस छोटे साइकिल पर हेलमेट पहनकर चलाने लगा। यूं वो जाने लगा तो गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट होने लगे। वो कॉलेज भी उसी पर जाने लगा। वहां भी सब उसका मजाक उड़ाने लगे। एक बार वो घर पर टीवी देख रहा था। टीवी में एंकर, सबका स्वागत है, आज मैं प्रख्यात ज्योतिषाचार्य रामनाथ जी के प्रश्न और समाधान कार्यक्रम का संचालन करने वाली हूँ। अगर आप में से किसी को भविष्य में होने वाली दुर्घटना और उससे बचने का तरीका जानना हो तो ये प्रोग्राम जरूर देखें। ऐसे बोल ही रही थी कि टीवी अचानक बंद हो गई। ये क्या, करंट तो है पर टीवी क्यों बंद हो गया? शायद एंटीना हवा के कारण दिशा बदल गया होगा।
मैंने अगर ये कार्यक्रम नहीं देखा तो मेरी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा, ऐसा उसने सोचा। वो तुरंत छत पर चढ़ा और टीवी के एंटीना को घुमाने लगा। तभी उसका पैर फिसला और वो छत से नीचे आ गिरा। ठीक उसी समय बाबुल स्वामी जी के भेष में वहां आया। उसे उठाकर, ये क्या है भाई, ध्यान रखना चाहिए ना, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम इतनी ऊंचाई से गिरे फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्या, मेरा सिर नहीं फटा, मैं मरा नहीं, इतनी ऊंचाई से गिरा फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ, ताजुब है। स्वामी जी आप इतने दिन बाद दिखाई दिए, जानते हैं आपको मैंने बहुत ढूंढा स्वामी जी, उस दिन आपने मुझे जो श्राप दिया था ना कि 1 साल के अंदर मैं नीचे गिरूंगा और मेरा सिर फट जाएगा, आपको याद है? अरे बड़े अजीब हो तुम। हाँ मुझे अब याद आया, मैं कोई स्वामी वामी नहीं हूँ, मैं एक ड्रामा आर्टिस्ट हूँ। अब भी मैं एक नाटक करके घर लौट रहा था, उस दिन मैं अपने नाटक के डायलॉग्स बोल रहा था, कहीं तुमने उसे सच तो नहीं मान लिया ना मूर्ख। कर हंसा। ये सुनकर जगजीत का खून खौल उठा। क्यों भाई, डायलॉग प्रैक्टिस करने के लिए कोई कॉस्ट्यूम पहनकर आता है क्या? कमबख्त, तेरे वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो गई, कहकर बाबुल को खूब मारा। उस दिन से जगजीत अंधविश्वास और कुंडली के चक्कर में ना रहकर आराम से जीने लगा।